हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे मोबाइल से किसी लैपटॉप और किसी कंप्यूटर को किस तरीके से चलाना है। दोस्तों, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए हम प्ले स्टोर ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है टीम व्यूअर। जैसे हम यहाँ पर टीम व्यूअर टाइप करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर टीम व्यूअर फॉर रिमोट कंट्रोल एक ऑप्शन यहाँ पर आया है, तो इसे हम टैप करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। पहले दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर मैंने मोबाइल में पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए यहाँ पर ओपन का बटन हमें नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से उसका लुक जो है यहाँ पर हमें नज़र आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है टीम व्यूअर आईडी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर टीम व्यूअर का जो है ये डेस्कटॉप वर्जन होता है, जो कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें कंप्यूटर में जाकर किसी लैपटॉप में जाकर उसे भी डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, जैसे ही हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं, तो हर एक यूनिक टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर का एक आईडी होता है और हमें उसे अल्टरनेटली यूज़ करना होता है दोनों को कनेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको देख लेते हैं किस तरीके से जो है इसे यूज़ करना है, किस तरीके से हमें इसे हैंडल करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने लैपटॉप ऑन कर लिया है। लैपटॉप ऑन करने के बाद सबसे पहले हम किसी ब्राउज़र को ऑन कर लेते हैं उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे हम यहाँ पर किसी ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे, जैसे मैंने गूगल क्रोम को ऑन किया है, तो यहाँ पर हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डाउनलोड टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर। जैसे ही हम इसे टाइप कर लेते हैं तो यहाँ पर एक हम देखेंगे जो है यहाँ पर एक पहले ही एक लिंक यहाँ पर ऑन हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस लिंक को हमें क्लिक कर ओपन कर लेना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले तो हमसे पूछा जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना है, यानी आपको आपके पास जो लैपटॉप है उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है या लिनक्स है या विंडो है, जो भी है। तो प्रैक्टिकली डिपेंड करता है हमारे लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कि किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर है। तो दोस्तों, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस प्लेटफॉर्म को यहाँ से हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे फिलहाल जो लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का है, तो यहाँ पर मैं उसे विंडोज़ ले लेता हूँ। उसके बाद हम स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं तो हम देखेंगे एक यहाँ पर बटन बना हुआ है डाउनलोड टीम व्यूअर। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड होने के लिए रेडी है। यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि आपको ये फाइल जो है किस नाम से सेव करनी है या कहाँ सेव करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम उस फाइल का नेम और उस फाइल का लोकेशन जो है जहाँ पर भी आपको सेव करना है वो लोकेशन हम यहाँ से ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर उसे डेस्कटॉप ले लेता हूँ। डेस्कटॉप लेने के बाद यहाँ पर हम सेव का एक बटन देखेंगे। सेव का बटन है, यहाँ पर हम उसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो कुछ ही वक्त में डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद उसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते वक्त कुछ ऑप्शन हमसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर पेड वर्जन भी है, फ्री भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है जब इसे आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है नॉन कमर्शियल, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, कमर्शियल यूज़ होता है, नॉन कमर्शियल, पर्सनल यूज़ होता है। तो आपको नॉन कमर्शियल पर्सनल यूज़ लेकर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे हमारे डेस्कटॉप पर यहाँ पर एक आइकॉन बना है टीम व्यूअर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। जैसे हम उसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ इस तरीके से इसका स्क्रीन हमें नज़र आएगा। तो दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक आईडी है। ये आईडी जो है ये इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का है। मीन्स अगर आपको ये लैपटॉप कहीं और अगर एक्सेस करना है तो ये सॉफ्टवेयर की दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। वो उनमें से पहला एक होता है इसका आईडी और उसके बाद होता है उसका पासवर्ड। दोस्तों, पासवर्ड जो है ये रैंडमली होता है, मतलब हर बार जब आप इसे ऑन करोगे तो पासवर्ड कुछ और आएगा। ये इसलिए होता है कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन इसे यूज़ ना कर पाए। मीन्स अगर कोई और पर्सन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप को, आपके कंप्यूटर को अगर यूज़ करना चाहता है टीम व्यूअर के ज़रिए, तो उसको जब तक कि आप खुद आपका पासवर्ड नहीं बताओगे तो वो पर्सन जो है उस कंप्यूटर को, आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ किस तरीके से इसे कनेक्ट किया जाता है मोबाइल से लैपटॉप को।
तो दोस्तों कंप्यूटर में या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद हमें मोबाइल में आना है। मोबाइल में आने के बाद हम टीम व्यूवर जो सॉफ्टवेयर है, जो ऐप है, इसे ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम आईडी देखेंगे, टीम व्यूवर आईडी। तो यहाँ पर जो आईडी आपको डालना है वो उस लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप का डालना है जो सॉफ्टवेयर अभी आपने इंस्टॉल किया है। तो ये आईडी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आईडी डाल लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आईडी है, तो वो आईडी में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद वो कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद जो यहाँ पर वो हमसे एक पासवर्ड पूछेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो फिलहाल का, मतलब जो करंटली आपका पासवर्ड जनरेट हुआ है, तो ये पासवर्ड आपको यहाँ पर टाइप करना होता है एक्यूरेटली। तो जैसे अब यहाँ पर पासवर्ड को प्रॉपरली टाइप कर लेते हो, तो टाइप करने के बाद हम जो है वो टाइप करने के बाद ओके कर लेंगे। तो ओके करने के बाद जो है, देखिए यहाँ पर जो हमारा डेस्कटॉप जो है, जो हमारा लैपटॉप जो है, वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों जैसे ही हम ओके करते हैं, तो ओके करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा मोबाइल जो है वो हमारे लैपटॉप से कनेक्ट हो चुका है। और दोस्तों जिस तरीके से आप रेगुलरली आपके लैपटॉप को यूज़ करते हो, तो आप ये मोबाइल के ज़रिए अभी आप इसे एक्सेस कर पाओगे। दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है, बहुत ही काम की चीज़ है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम हमारे लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हैं और लैपटॉप हमारा कहीं और घर पर रखा है या कहीं पर ऑफिस में रखा है, तो दोस्तों हम उसे एक्सेस नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत काम आएगा और आप सारे ही काम कर सकते हो। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो। आप जिस तरीके से आपके लैपटॉप पर बैठकर काम करते हो, उसी तरीके से सेम टू सेम जो है आप आपके मोबाइल से उसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर होती हैं, जैसे अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पर ओपन करनी है, तो आप यहाँ पर फिंगर के ज़रिए, नॉर्मली टाइप के ज़रिए जो है, तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो है इसे कनेक्ट करके यूज़ कर लेना है। तो इसे मैंने एक माइक कंप्यूटर का विंडो ओपन किया, उसको क्लोज़ किया, उसके बाद यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर का यूज़ करना चाहेंगे, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करना चाहेंगे, जो भी काम हम करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर टाइपिंग वगैरह करना है, तो यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है साइड में, हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर कीबोर्ड जो है, जो मोबाइल की स्क्रीन पर हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसे हम टैप कर लेते हैं। टैप करने के बाद कीबोर्ड ऑन होगा। तो यहाँ पर तो कीबोर्ड ऑन होने के बाद जो है नॉर्मल हमारा कीबोर्ड जो इस तरीके से उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कंट्रोल का की होता है, या शिफ्ट होता है, अल्टर होता है, विंडो लोगो की होता है। इसके अलावा कोई और बटन अगर आपको यूज़ करने हैं, तो यहाँ पर हम एक कीबोर्ड, छोटा सा कीबोर्ड का सिंबल बना हुआ है, इस पर प्लस का साइन होता है, तो वहाँ क्लिक करके जो और भी जो हमारे कीबोर्ड की कीज़ होती है, तो उसको हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, इस तरीके से हम हमारे मोबाइल को, हमारे मोबाइल के ज़रिए हम किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपने अब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो को आप आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड से शेयर ज़रूर करें। और जल्द ही मिलेंगे एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग के टॉपिक के साथ। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।